सर ये जो टेबल पे रखा है बीपोलन क्या है, कैसे बनता है, इसके क्या क्या फायदे हैं और किन किन रोगों में इसको प्रयोग किया जा सकता है और कैसे ये हमारी शरीर से बीमारियों को ठीक करता है, इसके बारे में जो मेडिकल साइंस है वो क्या कहती है? देखिए, बी पोलन जो है ये मधुमक्खियों द्वारा बनाया जाता है। जब मधुमक्खी शहद बनाती हैं उसी वक्त पे ये बी पोलन भी बनता है। होता क्या है कि जब मधुमक्खियाँ फूलों पे जाती हैं, चाहे वो मस्टर्ड के फूल हैं, तो वहाँ जाएंगी तो वो फूल के बीच में पराग होता है, उससे वो रस चूसती हैं, तो वहीं पे ये पोलन उनकी टांगों में चिपकता है। और जब वो वापस जाती हैं तो छत्ते में जाने से पहले ये जो पोलन है वहाँ ट्रेल लगा के मधुपाल इकट्ठा करते हो तो उसमें इकट्ठा होता है। इसके साथ साथ जो इसका बनाने का प्रोसेस है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक मधुमक्खी कई हजार फूलों पर जाती है तब जाके कुछ दाने बी पोलन के इकट्ठे होते हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है और अलग अलग तरीके से इसके यूज़ हैं। ये बीमारियों को दूर रखने में हेल्प करेगा, एंटी वायटिक, एंटी इन्फ्लेटरी, एंटी ऑक्सीडेंट, कई सारे गुण इसमें हैं। तो इससे क्या होता है कि आपको इम्यूनिटी को अच्छी स्ट्रॉन्ग करेगा, जिससे आप बीमारियों से बचे रहोगे। ठीक है, स्वेलिंग वगैरह कम करने में हेल्प करेगा, जॉइंट की हेल्थ जिनके हैं, जोड़ों के दर्द जिनको होते हैं उनको हेल्प करेगा, शुगर में हेल्प करेगा, कई सारी चीज़ों में इसके बहुत अच्छे हैं। और डाइजेस्टिव ट्रैक जो गट रहेगा उसको तो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है, पेट को साफ रखने में इसकी बहुत अच्छी गुण है। तो ये हर किसी को सेवन करना चाहिए। कितना सेवन करना चाहिए इसको? देखिए, 1 चम्मच 8 से 10 ग्राम आदमी अगर सुबह शाम लेता रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, और ये स्वस्थ व्यक्ति को खाना चाहिए।